अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगी। तो जनाब, आज की जो टिप है आप देख सकते हैं कि वो लाफ नाइन के बारे में है, कि हम लोग अपने चेहरे की लाफ नाइन को और आंखों के पास जो रिंकल्स हैं उनको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी आसान सी टिप है, ठीक है। इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए और आपके किचन में जो जो चीज़ें होंगी आप उसको इस्तेमाल करते हुए इसको बना सकती हैं। अच्छा, तो दोस्तों चलिए हम अपनी टिप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इसमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो हम लेंगे खीरा, ठीक है, ये मैंने अभी कट नहीं किया, इसका हम जूस निकालेंगे। और दूसरा हमें लेमन जूस चाहिए। अच्छा, ये खीरा मैं पहले से कट कर चुकी हूँ, ठीक है। चलिए तो अब हम इसका जूस निकाल लेते हैं ताकि हम अपनी टिप में इस्तेमाल करें। ये देखें, इसमें थोड़ा थोड़ा खीरे का जूस मिल गया है। तो दोस्तों अब हमने खीरे का जूस बना लिया है, ठीक है। अब हम इसमें जो है इसमें से दो चम्मच ले लेते हैं। ये मैंने दो चम्मच ले लिया, ठीक है, ये ऑलमोस्ट अब दो चम्मच बराबर हो गया। अब हमने इतना ही लेमन जूस लेना है जितना हमने कोकम्बर जूस लिया है, ठीक है, एक और अब ये दो चम्मच। तो अब हमने इसको मिक्स किया, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपने इसको क्या करना है कि सिंपल अपने फेस पर जहाँ आपकी ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, लाफ नाइन, आपने उस पर इसको लगा लेना है, ठीक है। ये देखिए, मैं अपने हाथ में लगा के भी दिखाती हूँ। लगाने के बाद आपने फिर इसको क्या करना है कि ड्राई होने के लिए छोड़ दें, कोई मसाज नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ ड्राई होने दें और उसके बाद सिंपल पानी से वॉश कर लें। बहुत छोटी सी आसान सी टिप है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। हर वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।